हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। शुक्रिया दोस्तों मेरे पिछले वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। दोस्तों, टेम्पल्स ऑफ बंगाल की जर्नी में चलिए मैं आज आपको एक और सुंदर सा प्यारा सा हमारे बंगाल का बहुत ही पुराना मंदिर पे लेके चलूंगा। यह मंदिर आपको बैरकपुर में पड़ता है और इसे शिव अन्नपूर्णा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मंदिर को देखोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप माँ भवतारिणी दक्षिणेश्वर मंदिर के सामने में खड़े हैं। पूरा हूबहू दक्षिणेश्वर मंदिर के ही तरह दिखता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इस मंदिर की यात्रा पे लेके चलूंगा। दोस्तों, आप इस मंदिर पर कैसे आ सकते हो, यहाँ पे आने के क्या क्या साधन हैं, साथ में इस मंदिर की टाइमिंग क्या है और यहाँ पे भोग की भी व्यवस्था है, भोग प्रसाद का क्या चार्ज होता है, ऐसे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और हाँ दोस्तों, जो इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ पहली बार जुड़े हो, तो मैं मनोज आपको आपका अपना YouTube चैनल मनोज जिला ब्लॉग्स में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहा, इस वीडियो को पूरा देखते हुए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके एक मीठा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माता दी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलिए आपको बताते हैं आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो। दोस्तों, ये रास्ता बैरकपुर बीटी रोड है। ये जो सामने वाला रास्ता है ये डनलप की तरफ से आता है। इसी रास्ते से आपको आगे आना होगा और डनलप क्रॉस करके ये जो बाई तरफ वाला रास्ता है इसे तालपुकुर बस स्टॉप कहते हैं। इसी बस स्टॉप के बगल से ये जो रास्ता गया है, इस रास्ते से आपको 10 से 15 मिनट का पैदल वॉक करना होगा और आप पहुंच जाएंगे मंदिर के गेट के बिल्कुल सामने। ये रहा मंदिर का प्रवेश द्वार। चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही आपको ऐसा लगेगा आप दक्षिणेश्वर मंदिर पहुंच गए हैं। बिल्कुल हूबहू दक्षिणेश्वर मंदिर के माता भवतारिणी की मंदिर की तरह इसका स्ट्रक्चर है, लेकिन यह मंदिर शिव शक्ति अन्नपूर्णा मंदिर है। मंदिर को नवरत्न स्टाइल में तैयार किया गया है। मंदिर के पहले मंजिल में आप चार रत्न और दूसरी मंजिल में आप पांच रत्न देख सकते हो। मेन मंदिर के बगल में बहुत सारी स्तंभ के द्वारा नाट मंदिर को बनाया गया है। चलिए नाट मंदिर को आपको अंदर से दिखाता हूं। नाट्य मंदिर के द्वारा भी आप माँ के दर्शन के लिए आगे जा सकते हो। चलिए आपको माँ का दर्शन कराता हूँ और उसके बाद इस मंदिर के स्थापना के बारे में बताऊंगा। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहे। आइए आपको शिव शक्ति अन्नपूर्णा मंदिर के इतिहास से रूबरू कराता हूँ। किसने और कब करवाया था निर्माण? दक्षिणेश्वर काली मंदिर के हूबहू बने शिव शक्ति अन्नपूर्णा मंदिर का निर्माण जगदम्बा देवी ने करवाया था। जगदम्बा देवी दक्षिणेश्वर काली मंदिर को निर्माण कराने वाली जमींदार परिवार की बहुरानी राशमणि की छोटी बेटी थी। लगभग 55 बीघे में फैला इस मंदिर का निर्माण गंगा घाट के ठीक सामने किया गया है, जिसे स्थानीय लोग रानी रासमणि घाट के नाम से जानते हैं। मंदिर के निर्माण का कार्य लगभग 1870 ईस्वी में शुरू किया गया था और 12 अप्रैल 1875 को मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। दक्षिणेश्वर मंदिर में मां भवतारिणी की मूर्ति
कोष्टी पत्थर से बनी है और यहाँ माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति को अष्टधातु मुख्य रूप से सोने से बनाया गया है। उस समय यह मंदिर को बनाने में 3 लाख रुपए खर्च हुआ था। ऐसे भी कहा जाता है कि अन्नपूर्णा देवी जी का इस मंदिर को बनाने के लिए पहले गंगा के ठीक उस पार स्थित श्रीरामपुर शहर को चुना गया था, लेकिन बाद में कोलकाता महानगर से सटे बैरकपुर के पास स्थित टीटागढ़ में इस मंदिर का निर्माण कराने का फैसला किया गया। मेन मंदिर और नाट्य मंदिर के अलावा यहाँ पर 6 अटचला शिव मंदिर भी देख सकते हो, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। चलिए आपको इन 6 अटचला शिव मंदिर के महादेव का दर्शन करीब से कराता हूँ। पहले इस तरफ के शिवलिंग का दर्शन करते हैं। श्री श्री कालेश्वर शिवलिंग का कमलेश्वर शिवलिंग श्री श्री किन्नेश्वर शिवलिंग। इस तरफ के शिवलिंग के दर्शन के बाद चलिए आप उस तरफ के शिवलिंग की ओर चलते हैं। केदारेश्वर शिवलिंग श्री श्री कपिलेश्वर शिवलिंग ओम नमः शिवाय श्री श्री कैलाश्वर शिवलिंग। दोस्तों, मंदिर की टाइमिंग की बात की जाए तो आप सामने देख सकते हो यह मंदिर सुबह 5 बजे से दिन के 1:30 बजे तक, उसके बाद पुनः शाम के 4 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर भोग की भी व्यवस्था है जिसका रेट 120 रुपये पर हेड लगता है और टाइमिंग आपका 1:30 से 2 बजे तक का होता है। गेट से आप जब एंट्री करते हो तो आपको ये बड़ा सा पार्किंग लॉट नजर आएगा, यहाँ पे आप गाड़ी पार्किंग भी कर सकते हो। वैसे 4 चक्के का पार्किंग सारा दिन के लिए 30 रुपये और वहीं 2 चक्के का पार्किंग यानी 2 व्हीलर बाइक के लिए 10 रुपये पड़ता है। मेन मंदिर के ठीक उल्टी तरफ इस गेट के द्वारा आप रानी रासमणि घाट की ओर जा सकते हो। तो चलिए गंगा घाट की ओर चलते हैं। आशा करता हूँ मैंने आपको इस वीडियो में जो जानकारी दी आप उससे संतुष्ट हो। अगर आपको मेरा ये काम जरा से भी पसंद आया है तो आपको पता है आपको क्या करना है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चैनल के नाम के बगल में ये जो ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा दें, साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। उसके साथ एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अच्छा दोस्तों, बहुत जल्द मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।